गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का बज रहा है 5 और आज निकल रहे हम लोग मोहल्ले राइड में। तो सब दोस्त को ही रुका हुआ है जगह पे, मैं आया हूँ विशाल भाई के घर के सामने। तो निकलते हैं आज मोहल्ले राइड में, देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहो और देखो आज मोहल्ले राइड कैसा होता है। तो मिलते हैं आप लोग से राइड पे। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं राइड पे, तो देखते हैं अभी आगे कहाँ जाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं और विशाल भाई ड्राइव कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से मैं ड्राइव कर रहा था तो उसे दिया। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं रेस कैंप के सामने। तो पब्लिक तो देख के माथा ख़राब हो जा रहा है, इतना ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे, बहुत ही काफ़ी पब्लिक है। तो आप ये देख सकते हो ट्रैफिक, मॉर्निंग का 5 बज रहा है और इस टाइम में इतना ट्रैफिक, तो सोच लो यहाँ पर कैसा पब्लिक होता है। अभी महालय के टाइम पर इतना भीड़ है, इतना पब्लिक है, तो सोचो पूजा के टाइम पर कितना ही पब्लिक होगा यहाँ। तो देखते हैं अभी हम तो अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ से कहीं और जाते हैं, क्योंकि इस जाम में जाएंगे, इतना ट्रैफिक में जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा पता नहीं। तो हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं, यहाँ से अब निकलते हैं कहीं और जाने के लिए। गाइस देख सकते हो अभी हम लोग मालेगांव में हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जाम लग चुका है, इसी वजह से हम निकल गए, जाम से गए ही नहीं अंदर। काफ़ी मतलब हद से ज़्यादा जाम है अभी। आज मोहल्ले का राइड है तो सोचो इतना जाम, तो जगह को कितना जाम होने वाला पता नहीं। अभी मैं फिलहाल विशाल भाई को दे दिया हूँ गाड़ी ड्राइव करने के लिए, काफ़ी टाइम से मैं ड्राइव कर रहा था, मैं बोला तू ड्राइव कर, मुझे फोन करना है। देख सकते हो सबको एक एक निकल रहे आगे आगे। अभी देख सकते हो इन दोनों का टक्कर लग रहा है, कौन आगे जाएगा, एक आगे गया। गाइस देख सकते हो सभी कोई को मिल चुका है यहाँ पे, सब दोस्त यहाँ पे आ चुके हैं। पिंटू भाई वाला का बात सबको रुके हुए यहाँ पे देख सकते हो, पिंटू भाई वाला तो लोग डिसाइड कर रहे हैं यहाँ से कहाँ जाएंगे। देख सकते हो अभी मालेगांव के सामने रुके हुए हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी हम मालेगांव के ब्रिज के नीचे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाया है यहाँ पे, बहुत अच्छा आर्ट बनाया है, मैं ये वीडियो में दिखा रहा हूँ, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो क्या खूबसूरत बनाया है। आप खुद लाइव आके देखोगे तो पता चलेगा, मतलब ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा बना है यहाँ पे आर्ट। तो क्या ही बोले, जो भी बनाया ना उसका कलाकार तो अलग ही है, बहुत खूबसूरत बना है। और अभी ये रास्ता में एकदम ही जाम नहीं लगता है, पहले बहुत ही ट्रैफिक रहता था, जब से ब्रिज ओपनिंग हो चुका है अब ट्रैफिक नहीं है, अब जब मर्जी तब आ सकते हो यहाँ पे आराम से जाने के लिए। तो हम लोग डिसाइड किए हैं अभी कामाख्या मंदिर के व्यू पॉइंट में जाने के लिए। तो हम लोग निकले हैं, अभी ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ से देखेंगे कहाँ जाना है। तो मॉर्निंग के टाइम पर व्यू पॉइंट में जाके मज़ा आता है, तो जाते हैं देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है देखने के लिए। गाइस ये आ चुके हैं कामाख्या मंदिर के रास्ते पे और देख सकते हो मेरा पीछे पीछे सब कोई आ रहा है, काफ़ी लोग आगे भी है पीछे भी है, पप्पू भाई भी आ रहे हैं, वो अपना 4-व्हीलर से आ रहे हैं पप्पू भाई। तो मस्त लगता है गाइस यहाँ पे राइड करके। तो आप कभी भी इस रास्ते पे आओगे ना तो या तो बाइक या स्कूटी लेके आना, मस्त लगेगा चला कर, फील एक अलग ही फील आता है यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और इसको देख सकते हो आराम से नहीं जा सकते है, बस उसको तो गाड़ी चलाने मिला और जैसे तैसे जाना हो। हम तो भाई अच्छा सेफ ड्राइव करेंगे, सेफ जाएंगे, सेफ आएंगे, वो बेस्ट है, क्योंकि आज अच्छा दिन है तो कोई दुर्घटना ना घट जाए, इसका भी ख्याल रखना होगा अपने को। तो अभी जा रहे हैं ऊपर तक और ये है मोंटी आगे मेरे तो हम लोग आ चुके हैं अभी व्यू पॉइंट के ऊपर में। तो देख सकते हो काफ़ी पब्लिक है यहाँ पर भी, तो इसी वजह से हम लोग आते हैं, यहाँ भी बहुत पब्लिक होता है। और यहाँ का नज़ारा तो देखो मॉर्निंग के टाइम पर बहुत ही खूबसूरत लगता है, यहाँ से देख कर मस्त लगता है, मतलब जाने का मन ही नहीं करता यहाँ पे आने से मॉर्निंग में। तो अभी रुके हैं यहाँ पे, थोड़ा टाइम वेट करते हैं यहाँ पे, किसी को फोटो शूट करनी है, किसी को वीडियो बनाना है, तो वो लोग वो अपना काम में बिजी हो जाएगा, पता ही है आप लोगों को। तब तक हम ब्लॉग शूट करते हैं और आज हम लोग आए हैं, सभी हम लोग व्यू पॉइंट से निकले हैं और जाते हैं एकदम एंड में ऊपर में वो नदी के सामने, वहाँ से नज़ारा देखते हैं ऊपर का कैसा है। तो बाकी सब तो आगे जा चुके हैं, काफी लोग पीछे हैं, दो लोग भी आ रहे हैं, तो हम लोग भी निकले हैं ऊपर जाने के लिए। सभी हम लोग कामाख्या मंदिर के ऊपर तक पहुंच चुके हैं, देख सकते हो मंदिर
के ऊपर एकदम लास्ट तक आ चुके हैं। गाइस अभी हम लोग पूरा एंड में आ गए हैं, ये सब कोई बैठा है, देख सकते हो पूरा एंड में आ गए। तो विशाल भाई कैसा लग रहा है आगे? इसका ब्लॉग, इसका चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से 20,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। 1K सब्सक्राइबर लगे जल्दी हम भाई को, बहुत मेहनत कर रहा है भाई, तो आप लोग कृपया करके जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भाई ने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, तो 1K सब्सक्राइबर जल्दी कर दो। अच्छा बताओ मोले राइड में निकले कैसा लगा? अच्छा भाई बहुत मस्त आया, लेकिन भूख लग रहा है भाई, हमको तो पता ही है। सौरभ भाई कर धावा लीजिए गाइस, मोले कर धावा। मोले राइड में कैसा लगा? अच्छा चलो ना, हम रेडी होने तो बोलने के लिए, क्या बोलेगा सौरभ भाई? मोले राइड में आके कैसा लग रहा है? मोले राइड में तो मजा आया निकल के, अपने दोस्तों से बहुत दिन बाद मिले आज। तो अभी यहाँ से कहाँ जाने का प्लान? पता नहीं, ये लोग जा ले जाएगा, वहीं जाएंगे। तो गाइस सब मजाक कर रहे हैं यहाँ पे, बना पप्पू भाई हिंदी से ब्लॉग में डालेगा भोजी का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलेगा वो है ही। राइड में आके कैसा लगा भला? राइड में आके कैसा लगा? मजा। राहुल इधर है, राजा भाई। बोलो 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 बोलो। मुंडी भाई कुछ बोलना चाहते हैं? क्या पिया? पानी पिया है? पानी पिया बोला था, बोले एप्पल जूस पिया था, बोलता अभी बोले नशा हो गया थोड़ा। वो एप्पल जूस में हो जाते थोड़ा, कोई बात नहीं। तो भाई कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा पूरा मजा आ रहा है। राहुल भाई टेंशन में, आज सिंगल आना पड़ा, इसको गर्लफ्रेंड नहीं आया साथ में। मजा आया। और मैं ये जो मजा, और ये विशाल भाई, ये देख सकते हो विशाल भाई अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होते हुए। गाइस अभी हम लोग निकल गए यहाँ से, कामाख्या मंदिर के ऊपर एंड से। अब देखते हैं कोई रेस्टोरेंट मिलता है तो पहले खाते हैं, मॉर्निंग वॉर्निंग पोठा खाते हैं या कुछ भी खाते हैं। तो निकले हैं, बाकी पप्पू भाई पीछे वो आ रहा है, तो चलो सफर स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कहाँ जाना होता है। टाइम कितना हो रहा है? टाइम 8:00 है। चलो निकलते हैं। अभी आ गए नीचे, देखते हैं कहाँ जाना होता है। रेस्टोरेंट आ चुके हैं, तो यहाँ पे खाते हैं पोठा, तो यहाँ से निकलेंगे घर जाने के लिए। एक पोठा का दुकान मिल गया है, तो खा लेते हैं। मिल गया हम लोग का पोठा आ चुका है, अभी खाएंगे। मेरे का पोठा और ये बेटा, चलो खाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे घर। मिलते हैं आप लोग से खाते, तो गाइस मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अब सब कोई घर जा चुका है, विशाल भी अब घर जा रहे हैं, मैं उसको घर छोड़ने आया था। तो आज का राइड हम लोग का खत्म हो गया, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।